हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा चार ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे हमें पता चलता है कि हमारा हार्ट अटैक आ सकता है या नहीं आ सकता है, या वो हार्ट अटैक की तरफ इशारा करता है। चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को लेट से नहीं शुरू करते हैं और जानते हैं इस चीज़ों के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा चार ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे ये पता चलेगा कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है या नहीं, या आ सकता है या नहीं आ सकता है, या क्या वो ऐसे चार सिम्टम्स हैं जो कि बहुत तेजी से बताते हैं कि आप हार्ट अटैक के नज़दीक हैं। तो चलिए, इसी सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला सिम्टम हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स, जो सबको पता है, वो होता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को जब हार्ट अटैक आता है तो चेस्ट पेन हो सकता है। चेस्ट में हैवीनेस लग सकता है, चेस्ट में टाइटनेस लग सकता है, आपको एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। और ये चेस्ट पेन जो है आपके आर्म्स में, आपके जॉज में, आपके बैक में, कहीं पे भी एक्चुअली रेडिएट कर सकता है। तीसरा, आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, हो सकता है कि आप जब चलते हो तो आपकी सांस फूलती हो और आप कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिए हैं। सांस फूलने का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं है कि आप इसको असेस करें। मान लीजिए पहले आप तीन अगर फ्लोर चढ़ जा रहे हैं तो इसमें तीन फ्लोर में एक नॉर्मल आदमी की भी सांस थोड़ी फूल सकती है, लेकिन अगर आप एक फ्लोर चढ़ने में ही या कुछ कदम चलने में अगर आपकी सांस फूल जा रही है तो हो सकता है, जो कि पहले से आपको नहीं था, देन हो सकता है कि शायद आपका ये इशारा जो है, सिम्टम जो है, आपके हार्ट अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। और चौथा, आपकी ये पॉइंट्स हो सकते हैं कि कभी कभी कोल्ड स्वेट्स आते हैं, मतलब पसीना बहुत आता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है, उल्टी की फीलिंग होती है, पेट में अजीब सा फील होता है, एपिगैस्ट्रिक जिसको हम बोलते हैं, अक्सर जस्ट इस रीढ़ की हड्डी के बीच में यहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो इन सब के वजह से भी हार्ट अटैक का इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन चार बातों को स्पेशली अच्छे से ध्यान रखिए ताकि आपको ऐसा कभी भी फील हो तो फौरन अपने डॉक्टर के पास जाके इसके बारे में कंसल्ट कर सके। और प्लीज़ स्पेशली ये चेस्ट पेन को आप कभी भी हल्के में नहीं ले, ये नहीं सोचे कि शायद गैस का है या कोई प्रॉब्लम है, ये काम आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ दें। खुद से डॉक्टर प्लीज़ नहीं बने, इससे कई जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। और एक बात और जो मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, ये चारों चीज़ें जो मैंने बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हो। कभी कभी पेशेंट्स में साइलेंट हार्ट अटैक्स भी आते हैं, हो सकता है सिर्फ आपको स्वेटिंग हो या सांस फूलने की शिकायत हो, चेस्ट पेन ना हो, या हो सकता है चेस्ट पेन आपके लेफ्ट आर्म में नहीं जाए, आपके बैक में जाए, आपके जॉ में जाए, या यहाँ पर भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो कभी भी अगर कुछ ऐसा अनइजीनेस टाइप फील होता है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, और स्पेशली अगर वो आपके चलने से वर्सन होता है, मतलब बढ़ता है वो, और सिम्टम एग्रेवेट होता है, सिम्टम में और बढ़ोतरी आती है, तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसको इग्नोर नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके मैंने ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया। तो हमारे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक। तो टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।